कि 10,000 रुपया पर सेटलमेंट करवाने की बात चर्चा में आई है और उस दिन से आप देख रहे होंगे कि लगातार लोग ऑनलाइन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि पिछले फरवरी तक लोग पैसा जमा कर रहे थे, जब आप लोगों ने उसका मुखालफत किया पटोरी अनुमंडला अधिकारी के समक्ष, तो लोगों ने आपकी बातों को गंभीरता से लिया और पूरे देश के अंदर में सहारा में पैसा जमा करना लोग बंद कर दिया। उसके बाद कई मर्तबा हम लोगों ने पटोरी थाना अध्यक्ष के समक्ष धरना दिया इस बात को लेकर के कि जो सहारा का जो उसका रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द कर दिया गया है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, बावजूद अभी तक पैसा ले रहा है, तो उसके ऊपर अभी तक मुकदमा क्यों नहीं हुआ? तो पटोरी के प्रशासन इस कोई ऊपर कान पर जू नहीं रहेगा। हम लोग लगातार धरना दिए जा रहे हैं, सरकार के पास से आदेश है कि जिला अधिकारी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाए और हम लोगों को जो पैसा है उसको दिलाने में मदद करे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम कहना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोग एक धक्का और दीजिए इस सरकार को और कहिए कि 10,000 रुपया पर हम नहीं मानेंगे। 10,000 रुपया कोई भीख नहीं है हमारा, हम जो पैसा दिए हैं उस पैसे को सूद समेत हमको वापस करो, और नहीं तो 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें हम नेताओं को घुसने नहीं देंगे अपने गांव में। हम कहना चाहते हैं कि चल हमारी पैसा हमको नहीं मिल रहा है और नेता फिर किस काम का है? नेता यही ना है कि हमारे हितों का रक्षा करे, हमारे अधिकारों का रक्षा करे। हमको दे दिया है कि 1,00,000 रुपया हम आपसे लिए हैं, इसका कागज हमारे पास है, लेकिन उस कागज को दिखाने पर हमको जो ब्याज सहित उसको पेमेंट करना है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, सूद समेत पैसा वापस लेवाई ना, अरे बोलिए ना, तो सूद समेत पैसा वापस लेना है। तो आप लोग कई बार आए हैं पटोरी, हम अपेक्षा करते हैं आप लोगों से कि इस बार भी 23 अगस्त को आप लोग पटोरी पहुंचिए और अनुमंडल प्रशासन को हम लोग घेरेंगे और कहेंगे कि हमारा पैसा जो है सो हमें दिलवाओ, चूंकि हमारा पैसा जो है सो हमें दिलवाओ। अब हम बुलाना चाहेंगे इस कार्यक्रम में यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं राममोहन राय, वो आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। आज पत्थरघाट चौक पर सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के अंतर्गत सुरजीत श्यामल जी के नेतृत्व में एवं भाई देवानंद जी के नेतृत्व में दोनों आदमी मिलकर महद्दी नगर पटोरी अनुमंडल सहित पूरे देश में जो सहारा इंडिया के लिए एक ललक पैदा किए हैं, इन दोनों आदमी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद हम देने का काम करते हैं। आज तक कितना बड़ा आंदोलन सुजीत श्यामल जी सहारा करता जो जमा करते हैं और ठग का जो धंधा चल रहा था पटोरी में रुकवाने का काम सुजीत श्यामल भाई किए हैं, और आज पूरे जगह घूम घूम के सहारा इंडिया में पैसा जमा नहीं करने के लिए आग्रह किया ही रुकवाया, जिनका देन है कि ये मोदी सरकार ये अमित शाह को झुकना पड़ा और 10,000 के लिए बोले हैं, लेकिन अभी अभियान चलेगा, ये 10,000 से हम नहीं मानने वाले हैं। 10,000 लेकर आप क्या कीजिएगा भाई, 10,000 लेकर क्या कीजिएगा? किसी का 5 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का करोड़ों करोड़ों रुपया है, कोई तो जमीन का बेच कर 10 बीघा 5 बीघा बेच के बेटी के शादी करने के लिए जमा करके रख दिए थे, उन लोगों का क्या स्थिति है? 10,000 रुपया लेके झुंझुना बजाना है? जब तक आपको खड़ा होना होगा, आज सुजीत भैया है, सुरजीत श्यामल भैया है, देवानंद जी है, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, इनको क्या जरूरत है घरों घर रोजे रोज जाने का? आपके लिए कर रहे हैं, आपका भी जिम्मेवारी बनता है। 23 तारीख को जो अनुमंडल पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है उस कार्यक्रम में आइए और एक धक्का दीजिए, यहाँ की आवाज दिल्ली के प्रति तक हिलेगा। ये अमित शाह बोलता है भाषण
यहाँ तो जुमला बोले थे 10,000 रुपया नहीं मिलेगा। आप सभी लोगों का जो ऑनलाइन हो रहा है वो एग्रीमेंट पेपर पर जो आप लोग साइन कर रहे हैं वो उनके पास प्रूफ हो जाएगा। ये देखिए हम तो सबको दे दिए, आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, इतना बड़ा फ्रॉड है इस बात की, इतना बात समझ लीजिए, आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो एग्रीमेंट पेपर जो है वो आपसे पहले साइन करवा लेता है और उनके पास सरकार के पास पेपर चला जाता है, कंपनी के पास पेपर चला जाता है। ये देखिए हम फलाने आदमी को जो पैसा था दे दीजिए, तो ये एकदम सावधान होइए। आपका हक और अधिकार का है, आप जब 1,00,000 रुपया डाले हैं तो आपको 1,00,000 रुपया का जितना 2,00,000 रुपया मिलना चाहिए। आपका जो अधिकार है इसे आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, ये जनता को पूरे देश की जनता को इसका लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्योंकि चावल ये छोटे से शहर से स्टार्ट किए, कठोर स्टार्ट किए, लेकिन इसका आज पूरे देश में लड़ा, उसी का खमराजा हुआ जो सब स्टंट किया, ये इसी के नाम पर ना होगा 2024 का इलेक्शन भी किया जाएगा। लेकिन इस बात को हमारे सुधीर चावल भैया समझ गए, स्वादी हो रहा है, इतना बात समझ लीजिए। आप लोग के भी जितने भी भाई बंधु सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं देख रहे हैं, इस अभियान में आप आइए, इनको मदद कीजिए। हम लोग भी रहेंगे, जहाँ होगा वहाँ जाने का काम करेंगे और आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। कुलदीप चावल भैया को हाथ को मजबूत कीजिए, नहीं तो कोई नहीं है, कोई किसी के लिए जाता है फ्री में, कोई किसी के लिए लड़ने जाता है? आपके घर के लोग तो आपके लिए जाना नहीं करता है। और ये अपना पूरा ईमानदारी से अपना पूरा चीज करके विधि व्यवस्था से आपके लिए लड़ रहे हैं, तो इसके हाथों को मजबूत कीजिएगा, तब न इनको भी लगेगा कि भाई जिनके लिए हम लड़ रहे हैं वो हमारे साथ हैं। जब ये लड़ाई लड़ रहे दिल्ली में अपना अच्छा जिंदगी छोड़ के, स्वराम के जिंदगी छोड़ के और आपका लड़ाई लड़ने के लिए आए, तो आप लोग का भी कर्तव्य बनते हैं। जो भी सोशल मीडिया पे लाइव सुन रहे हैं, यहाँ चौक पे सुन रहे हैं, आप लोग का भी जिम्मेवारी बनता है। हम लोग आए और पटोरी में जो 23 तारीख को कार्यक्रम है ना भैया, 23 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें जो पिछले बार आप आए थे उसे कई गुना ज्यादा आइए, यहाँ से दिल्ली सरकार लेगा और सबका टावर छुट जाएगा। उनका जो मनसा है यहाँ लोगों को ठगने का, पेपर पर साइन करा के ठगने का, उसका राम मनसा उनका खत्म हो जाएगा। हम एक बात बताए ना, मोदी जी बोले थे चुनाव के समय में 15,00,000 रुपया देंगे, बाद में क्या बोले अमित शाह जी, उधर चुनाव का समय का बात था, वो तो फर्जी है, जुमला है, जुमला बोलकर बात हट गए। आज अमित शाह फिर बोल रहा है कि इतना पैसा जाएगा, कल पेपर पर साइन करा लेगा, उसके बाद रुक जाएगा, वो तो चुनाव के समय की बात है, हम जीतने के लिए बोले थे, ये सब जुमला। आप लोग सतर्क हो जाइए, कोई भी आदमी जो सोशल मीडिया से देख रहे हैं, आंदोलन से जुड़े हुए हैं, सभी लोग मजबूती के साथ मदद कीजिए, धन बल और धन से आप लोग अपने विधि व्यवस्था जो आप तब सफल होगा। ये नेता का गुरु नहीं होगा कि आपके यहाँ गरीब रहेगा, पानी का बोतल रहेगा, खाने पीने का व्यवस्था रहेगा, यहाँ जो है पूरा मिथ्या हो सत्तू अपने पास रख लीजिए, जैसे लोग को काम होता है तो अनुमंडल जाता है, वैसे आप समझिए नहीं हमारा काम है और हमारे लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो आप अपने विधि व्यवस्था के वहाँ पहुँचने का काम कीजिए और आपका लड़ाई निश्चित ही सफल होगा। आज इतना तक एक धक्का लगा है, इतना सा और अमित शाह का चुका है, एक धक्का और लगाइएगा कि मोदी का भी टावर छूट जाएगा। आपने मोदी को टावर छुड़ाइएगा ना, छुड़ाइएगा ना, एकदम छुड़ा दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद मोहन भाई। बस 2 मिनट हम आपका लेंगे। यहाँ पे अमित शाह जी हैं, जिनका पुतला हम दहन करने जा रहे हैं, उनका पुतला इसलिए दहन करने जा रहे हैं क्योंकि आपके साथ धोखा कर रहे हैं। अभी हम लोग पिछले साल से लड़ाई लड़ रहे थे तो पैसा देने की बात हुई है, लेकिन वो पैसा आपको पूरा मिलना चाहिए, ब्याज के साथ मिलना चाहिए। इनको हम मांग सौंप चुके हैं, लेकिन ये क्या करने वाले हैं, आपको 10,000 रुपया देंगे और जो क्लेम करने जाइएगा उससे साइन करवा रहे हैं, उसमें लिखा क्या हुआ है कि जब तक वो पूरा पैसा नहीं देंगे तब तक कहीं कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं, और पूरा पैसा कब देंगे तो ये बात बताइए नहीं रहे हैं, कोई कागज जारी नहीं किए हैं, मुंह से भरवाली 10,000 के वादा किए हैं लेकिन कोई भी कागज से नहीं लिखा हुआ है। आप में से कोई आदमी भी क्लेम किए होंगे, उनके पास एक मैसेज आया है और मैसेज में ये लिखा हुआ है कि पैसा मिलेगा, 45 दिन में हम आपको बताएंगे पैसा देंगे कि नहीं, जाकर के पढ़िए मैसेज को, और पोर्टल पे भी पढ़वा लीजिए किसी से, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि 10,000 रुपया आपको देंगे। और तो और पार्लियामेंट में भी बोले हैं
कि 45 दिन में उपलब्धता के आधार पे जानकारी देंगे। मतलब क्या, हमारे पास पैसा होगा तो बताएंगे। अरे भैया तो आप 10,000 रुपया दे करके हमको उल्लू बना रहे हो क्या? 10,000 दे करके साइन क्यों करवा रहे हो? तो हुआ क्या, हम लोग जो यहाँ प्रोटेस्ट किए पूरे देश में गया, उसके बाद सरकार के ऊपर दबाव बना। अमित शाह जी ने क्या किया, चालबाजी। इन्होंने क्या किया, ईडी से लेकर के इनकम टैक्स, ऐसे भाइयों जितना है सबको बैठा करके और इसको समझौता करवा दिया। सहारा इंडिया से समझौता कर लिया। अगर मेरी बात किसी को यकीन न हो तो यूट्यूब पे देखिए अमित शाह जी का जिस दिन पोर्टल लॉन्च किया उस दिन क्या कहा है। उन्होंने कहा कि बीच का रास्ता निकाले हैं, इसका मतलब समझौता कर लिया। जबकि उनको करना क्या चाहिए था, कार्रवाई करना चाहिए था, उसको जेल में डालना चाहिए था। आपके पैसा से जो उसने प्रॉपर्टी बनाया है उसको नीलाम करके और तब आपका पैसा सूद समेत वापस करना चाहिए था। ये जो 5,000 करोड़ अभी दे रहे हैं, 5,000 करोड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन पूरे देश का 86,000 करोड़ रुपया लूट लिया है। कौन लूट लिया है? इनके संरक्षण में लूटा गया है, इनके संरक्षण में लूटा गया है। और अब जब शिकायत हम लोगों ने किया, पूरे देश से लाखों शिकायत करवाया, तो इनको कार्रवाई करने के जगह पहले ये पीछे थे, सहारा को आगे करके आपको लुटवा रहे थे। क्योंकि 2015 में किसका सरकार था? मोदी जी का सरकार था ना। तो 2015 में जब सहारा बंद हो गया तो कोई बताया आपको जो बंद हो गया है? लाइसेंस रद्द हुआ तो कोई नहीं बताया? तो पहले सरकार पीछे थी, अब क्या हुआ, जब पैसा देने की बात आई तो आगे खड़ा होकर के आपके धोखा कर रहा है। अगर कोई आदमी हमको दिखा देगा कि कहीं कोई कागज अमित शाह ने जारी किया है जिसमें ये लिखा हो कि 10,000 रुपया देंगे, तो जो कहेगा वो हम मान लेंगे। और जो भी बात बोल रहे हैं, वीडियो में बोल रहे हैं, हमारे ऊपर सरकार FIR करवा देगा अगर एक लाइन भी हम झूठ बोलेंगे। तो एक भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया हुआ है। एक चपरासी का वैकेंसी निकलता है ना तो सरकार उसके लिए नोटिफिकेशन निकालता है। आपको बता दें कि सहारा इंडिया का पैसा 2012 से 2018 तक आपको मिला है, लेकिन आपने नहीं लिया क्योंकि आपको सरकार ने सही तरीके से नहीं बताया, एजेंट ने आपको गुमराह किया। तो आज हम पीछे एक साल से मांग कर रहे हैं, सरकार के कान पे जू नहीं देख रहा है। ना तो नीतीश कुमार उसके बारे में कुछ बोल रहा है और ना मोदी सरकार की तरफ से बोला जा रहा है। कल हमने मधुदाबाद में नीतीश सरकार का पुतला दहन किया है, आज विरोध के रूप में हम अमित शाह का पुतला दहन कर रहे हैं। और ये इसलिए पुतला दहन कर रहे हैं क्योंकि हमने सरकार को जैसे ही पोर्टल लॉन्च किया था 31/7/2023 को हमने 10 मांग भेजा है, जिसमें कि अगर जिसकी मृत्यु हो गई है, जो लोग मर गए हैं, उसके नियमित को कैसे पैसा मिलेगा, सरकार ने पोर्टल में नहीं बताया है। इसके अलावा ये भी नहीं बताया है कि आपके पैसा पर कितना ब्याज देंगे। आपको एजेंट आकर के कह रहा होगा कि पैसा का पैसा मिलेगा, ऐसा आपको फिर ठगने आ गया है। तो एक बार जान लीजिए, जो आपको चाकू मारा है, जिसने आपको ठगा है, उसी से दवाई पूछने जाइएगा। तो ये आपकी गलती है जो उससे पूछने जाते हैं, ये आपकी गलती है उससे जो आपसे पूछते हैं। आप लोगों को कहेंगे कि पुतला दहन करेंगे, यहाँ पे मुर्दाबाद का नारा लगाइएगा ताकि अमित शाह के कान तक आवाज जाए, उसको ये लगे कि हमारा कुर्सी खतरे में है। हो सकता है तो 23 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे सरकार को, जो हम यहाँ से भेजेंगे, हो सकता है उसकी कुर्सी अगर आप हिला दीजिएगा तो कहीं ना कहीं वो पैसा आपका जारी कर देगा। ध्यान रखिए, अगर सरकार के मन में छल नहीं होता तो सरकार ये कहती कि पहले हम 10,000 वाला तक को इतना तारीख तक देंगे पैसा, उसके बाद हम 50,000 वाला तक को देंगे, फिर 1,00,000 वाला तक को देंगे। तो वो नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है आपका, 10,000 हो चाहे 10,00,000 हो, देंगे कितना, 10,000। लेकिन 10,000 लिख करके कोई कागज नहीं दिया है। तो इसी के साथ हम अविनाश भाई से गुजारिश करेंगे, जहाँ भी है पास आ जाए अविनाश भाई। तो सभी लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग 23 तारीख को थोड़ा सा जगह बनाइए, यहाँ पे इसको फूकेंगे क्योंकि मुर्दा आदमी है और मुर्दा को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए, किसी को आकर खतरा ना हो, थोड़ा सा जगह बढ़ा। गाड़ी है आगे बढ़ा लीजिए, जो आदमी मुर्दा है उसको जला लेना चाहिए। और अगर पैसा आपका पूरा नहीं दे तो इस बार इलेक्शन में इसको याद दिला देना है। एक बार हाथ खड़ा कीजिए, सही बोलना है, हाथ खड़ा कीजिए। पूरा पैसा मिलना चाहिए कि नहीं ब्याज के साथ? पूरा पैसा ब्याज के साथ मिलना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मिलना चाहिए ना। एक बार जोर से नारा लगाइए, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। सहारा इंडिया के 400 से समझौता करना बंद करो, सहारा इंडिया के पैसे के लुटेरा सुब्रतरा से समझौता करना बंद करो, हमारे मेहनत का पूरा पैसा ब्याज के साथ वापस करो, हमारा पूरा पैसा ब्याज के साथ वापस करो। अमित शाह मुर्दाबाद।
कौन सा नारा लगाया, जो नारा नहीं लगाइएगा तो पैसा कहाँ से देगा? तभी तो पचा लिया है पैसा। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। गरीबों का पैसा तुम सहित वापस करो, गरीबों का पैसा तुम सहित वापस करो, गरीबों का पैसा तुम सहित वापस करो, गरीबों के साथ धोखा करना बंद करो, गरीबों को कागज के उलझों में मत उलझाओ, गरीबों को कागज के चक्कर में मत उलझाओ, अनपढ़ों को कागज के चक्कर में मत उलझाओ, एक बार में पूरा पैसा वापस करो। एक बार जोर देना, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। अब जो नारा लगा रहे हैं वहाँ पे हमारा लाइव चल रहा है, पूरा देश में जाएगा वो। एक बार जोर से बोलिए, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह होश में आओ। चौरस भाई को चार दस बजे दिखाइएगा, अमित शाह होश में आओ, गरीबों का पूरा पैसा सूद सहित वापस करो, गरीबों का पूरा पैसा सूद समेत वापस करो, सहारा के नाम पे फर्जीवाड़ा बंद करो, सहारा के नाम पे फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो। धन्यवाद साथियों, जो लोग भी हैं यहाँ से पर्चा लेकर के जाइए भैया, सभी लोग पर्चा लेकर जाइए। और 23 अगस्त को आइए, सभी लोग एक दिन समय निकालिए और सरकार तक आवाज योजना पहुंचाने के लिए अनुमंडल पर आइए। आपको बता दें कि बच्चा बता दी नहीं हुआ, इसलिए हमने फेसबुक पर न्यूज़ चैनल किया। गाड़ी चलो हो जाइए, बच्चे लोग हट जाओ, बच्चे लोग काम नहीं जाओ। देवानंद जी हाँ, इधर रखियो, इधर रखियो।